हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में है। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने कंप्लीट किया है लेकिन यहाँ पर आपके जो पैसा है वो पैसा पेंडिंग में जा चुका है, या आपके पैसा फेल हो चुका है लेकिन यहाँ पर आपके अकाउंट से पैसा कट हो चुका है, तो इन जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो इनके बारे में आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपके पैसा पेंडिंग में चला जाए या आपके पैसा फेल हो जाए या आपके पैसा रिफंड होने में वक्त लग रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सारे प्रोसेस इस वीडियो का अंतर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को देखने आपको लग सकते। चले हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब बटन है वो उसको ऑन करके आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप जो भी ऐप से जिस ऐप से आप पैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप गूगल पे है, फोन पे है, जो भी एक्स्ट्रा ऐप से जहाँ से आप पैसा सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है कि आपने पैसा सेंड किया किसी बंदे को लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर पैसा पेंडिंग में जा चुका है, ना दूसरे बंदे को मिला ना आपके अकाउंट पर रिफंड आ चुका है। या मान लीजिए कि आपने पैसा किसी को सेंड किया है लेकिन आपके अकाउंट से कट होने के बाद जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, तो इन हालत में यानी ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी आपका पैसा आपके अकाउंट पर नहीं आया, तो इन हालत में आपको क्या क्या करना चाहिए। चले यहाँ पर मैं सारे स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर आप जो भी ऐप से जिस ऐप से भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, मान आपका फोन पे है, गूगल पे है, जो भी ऐप से जहाँ से पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं कोई बात नहीं, तो मैं एग्जाम्पल की तरफ से मैं फोन पे को लेता हूँ। मैंने फोन पे से किसी बंदे को पैसा ट्रांजेक्शन किया हो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पैसा कट होने के बाद जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है या ट्रांजेक्शन पेंडिंग में जा चुका है, तो जब ही ऐसे सिचुएशन आते हैं तो वहाँ पर एक नोटिस आपको दिख जाएगा कि जो ये ट्रांजेक्शन आपने किया है, अगर आपका पैसा ऐसे हालत में है जबकि ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है या पेंडिंग में है, तो वहाँ पर एक नोटिस आ जाता है कि आपके पैसा 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट पर रिफंड आ जाएगा। तो दो दिन या 3 दिन वेट करने के बाद आपके पैसा अभी तक आपके अकाउंट पर नहीं आया, ना दूसरे बंदे को जहां पर आपने सेंड किया उस अकाउंट पर गया, तो ऐसे हालत में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी ऐप्स है उसका जो एक हिस्ट्री होता है यानी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होता है, तो मैं एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पर फोन पे ओपन कर लेता हूँ। मैंने फोन पे ओपन करने के बाद उसका जो हिस्ट्री है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो ट्रांजेक्शन पर यानी जिस ट्रांजेक्शन पर आपका पेमेंट फेल हो चुका है, ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है या पेंडिंग में जा चुका है, उस ट्रांजेक्शन आपको ओपन कर लेना है यानी उस अकाउंट पर जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम हो उसको ओपन कर लेना है। चलो यहाँ पर मैं एक ट्रांजेक्शन किया था तो मुझे ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है तो उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं फोन पे आता हूँ, आने के बाद हिस्ट्री पे आता हूँ, आने के बाद जो ट्रांजेक्शन मैंने किया हो उसको ओपन कर लेता हूँ। आप जो जिस ऐप से हो, चाहे आप फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो या एक्स्ट्रा जो भी ऐप से जहाँ से आप पैसे सेंड करते हैं वही सेमी सिस्टम है, उसको ओपन कर लेना है यानी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जिस ट्रांजेक्शन पर प्रॉब्लम हो यानी आपके साथ ये प्रॉब्लम है उस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं फोन एग्जाम्पल की तरफ से मैं फोन पे यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको दो चीज करना है, पहले चीज है कि आपको एक मिल जाएगा ट्रांजेक्शन आईडी, उस आईडी को आपको कलेक्ट कर लेना है। ट्रांजेक्शन आईडी कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो भी ऐप जिस ऐप से आप पैसा सेंड कर रहे हैं उस ऐप पर एक कस्टमर केयर का नंबर होता है, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फोन पे देख रहा हूँ आपको, तो फोन पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमर सर्विस, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके या तो उसके साथ मैसेज कर सकते हैं या फोन नंबर डायरेक्ट आपको कॉल लग जाएगा, तो कस्टमर केयर से आपको बातचीत करके आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी उसको शेयर करना है, आपको अपने प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करना है यानी कस्टमर केयर से शेयर करना है कि मेरे साथ ये चुका है, 2 दिन या 3 दिन मैंने वेट किया लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट पर पैसा अभी तक रिफंड नहीं मिला, तो उनके साथ ये शेयर करना है। उनके साथ आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसको भी शेयर करना है क्योंकि वहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी आपको मांगा जाएगा, तो आपको वो ट्रांजेक्शन आईडी शेयर करना है। तो मान लीजिए कि आपने ये सारे चीज़ किया उसके बाद भी आपके पैसा अभी तक आपके अकाउंट पर रिफंड नहीं मिला ना दूसरे बंदे के अकाउंट पर जा चुका है,
तो इन हालत में आपको क्या क्या करना चाहिए। जो सिंपल सा प्रोसेस है, उस जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया है वहाँ पर उसको एक नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यूटीआर नंबर एक मिल जाएगा, एक होता है ट्रांजेक्शन आईडी, जो आपको कोई जिस ऐप से आप पैसा सेंड किया उस ऐप्स पर आपका कस्टमर केयर नंबर होगा, वहाँ से आप बातचीत करके उन ट्रांजेक्शन आईडी को शेयर करना है। और एक होता है यूटीआर नंबर, वो यूटीआर नंबर आपको कलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा फोन पे है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यूटीआर नंबर एक हो चुका है, तो इन यूटीआर नंबर को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपका जो भी बैंक है, जैसे कि आपके मान लीजिए कि आपका इको बैंक है या एसबीआई है या पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी बैंक है वो उस बैंक ब्रांच पर आपको जाना है। आप मान लीजिए कि आप नजदीकी है आप बैंक ब्रांच से, जैसे कि आपको मान लीजिए कि एसबीआई का आपका पासबुक है, तो आपके नजदीकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच पर आपको जाना है। या आप विजिट करने के बाद यहाँ पर आपका जो यूटीआर नंबर मिल जाएगा, उस यूटीआर नंबर को यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएगा, यानी बैंक से एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आप बैंक को सबमिट करना है। तो ऐसे करने के बाद आपका जो पैसा है वो आपके पैसा आपके अकाउंट पर रिफंड मिल जाएगा 2 दिन या 3 दिन के बाद ही। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब है उसको क्लिक करके ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।